हैदराबाद टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद भारत ने अब 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 को अपने नाम कर लिया है। भारत ने लगातार चौथी बार इस ट्रॉफी को जीता है और इसी के साथ साथ अपनी जगह WTC फाइनल में भी पक्की कर ली है। भारत दूसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में आया है। पिछली बार भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने इस ट्रॉफी को हासिल किया था, पर इस बार भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC की ट्रॉफी वापस घर लेकर आए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रविंद्र जडेजा से, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जडेजा एक चोट से वापस आए और नागपुर और दिल्ली में दो बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच जीते। उन्होंने ये श्रृंखला दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में समाप्त की, जिसमें 18.86 की औसत से 22 विकेट लिए। जडेजा ने पहले मैच में एक अर्धशतक जड़ा और कुल 5 पारियों में 135 रन भी बनाए। जडेजा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। अब जब हम बात कर रहे हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो हम कैसे भूल सकते हैं रविचंद्रन अश्विन को। इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक दिलचस्प किस्सा हुआ, जहां प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दो खिलाड़ियों के बीच शेयर किया गया। रविचंद्रन अश्विन ने जडेजा के साथ पुरस्कार साझा किया, क्योंकि दोनों ही भारतीय ऑलराउंडर्स ने ऑस्ट्रेलिया की टीम पर काफी शानदार प्रदर्शन किया। अश्विन ने 17.28 की औसत से 25 विकेट लिए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। अश्विन ने निचले क्रम में बल्ले से भी काफी अच्छा योगदान दिया, और जब जब भारतीय टॉप ऑर्डर नहीं चला तो अश्विन ने भारतीय बल्लेबाजी को स्टेबल भी किया। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अश्विन का 10वां प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार है, और उनसे आगे केवल मुतैया मुरलीधरन है जिन्होंने 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीते हैं। अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। टॉप ऑर्डर में कुछ बल्लेबाजों ने इस श्रृंखला में बहुमूल्य रन बनाए हैं, और ऐसे में शुभमन गिल और उनके शतक के बारे में बात करना तो लाजमी है। गिल ने पहले दो मैचों के बाद आउट ऑफ फॉर्म KL राहुल की जगह ली और अहमदाबाद में शानदार शतक बनाकर अपनी छाप छोड़ी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल के शतक ने भारत के लिए अहमदाबाद टेस्ट में एक सॉलिड मंच तैयार किया। गिल ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना पर्पल पैच बरकरार रखा और 2023 के तीसरे महीने में साल का अपना 5वां शतक लगाया है। अब बात कर लेते हैं एक और बल्लेबाज की, जिसने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी है। आप लोगों ने शायद बिल्कुल ठीक गेस किया होगा, क्योंकि वो है विराट कोहली। कोहली हमेशा ही क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स के लिए चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन आखिरकार अहमदाबाद में उन्होंने अपने 28वें टेस्ट शतक का इंतजार खत्म किया और अपने फैंस को भी काफी खुश किया। कोहली की 186 रनों की पारी इस सीरीज की सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी बनी, और इस स्कोर से उन्होंने आखिरी टेस्ट में भारत को पहली इनिंग्स में 531 रन पर पहुंचाया। कोहली ने ये सीरीज भारत के लिए सर्वोच्च स्कोरर और श्रृंखला में दोनों टीमों में दूसरे सर्वोच्च स्कोरर के रूप में समाप्त की है। और अब जब भारत WTC के फाइनल में पहुंच गया है और कोहली इतने अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट एक राहत की सांस तो ले ही सकती है। और अब जिससे पहले हम ये चर्चा समाप्त करें, ये सही नहीं होगा कि टीम के तीसरे ऑलराउंडर यानी कि अक्षर पटेल के बारे में कोई बात ना हो। तो इसीलिए इस पूरी सीरीज में हम बात करेंगे अक्षर पटेल की, जिन्होंने गेंद से तो कोई खास प्रभाव नहीं डाला, लेकिन बल्ले से टीम का नेतृत्व किया और 5 पारियों में 3 अर्धशतक बनाए और विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। लगभग प्रत्येक मैच में 88 की औसत से 264 रन बनाए और मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। अक्सर अब अश्विन के बाद ऐसे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने केवल 12 मैचों में 500 टेस्ट रन और 50 टेस्ट विकेट लेने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रिकेट नेक्स्ट।